नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, श्रेयस अय्यर की टीम लगातार एक के बाद एक मैच हार रही थी, लेकिन पिछला मुकाबला श्रेयस अय्यर यानी कोलकाता की टीम ने राजस्थान को इतनी बुरी तरह से हराया है कि दोस्तों राजस्थान पूरी तरह से पस्त है। और इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने जो केएल राहुल को लेकर बयान दिया है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं यहीं पर ही बता दूँ कि कोलकाता नाइट राइडर लगातार कई सारे मुकाबले हार चुकी थी, और अगर पिछला मुकाबला जो राजस्थान के हुआ है ये भी हार जाती तो कोलकाता की प्लेऑफ तक पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी ये बातें भली भांति पता थी, इस वजह से श्रेयस अय्यर ने दोस्तों ना सिर्फ केएल राहुल से बात की थी फोन पर, बल्कि उन्होंने केएल राहुल से मोटिवेशन लिया था। और इस समय दोस्तों केएल राहुल की जो टीम है वो पॉइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर है। ऐसे में समझ सकते हैं कि केएल राहुल की बातों का श्रेयस अय्यर पर कितना असर पड़ा होगा। और श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद बताया कि उन्होंने ना सिर्फ केएल राहुल से मोटिवेशन लिया, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की कि उनको इस मैच में कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से कप्तानी करनी चाहिए। और उसका नतीजा आप सभी के सामने है, केकेआर ने राजस्थान रॉयल को बहुत बुरी तरह से हराया है। तो चलिए बात करते हैं कि मैच की स्थिति कैसी रही। दोस्तों कल राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी की थी, जहां जॉस बटलर सिर्फ 22 रन ही कल बना सके, तो वहीं देवदत्त पेडिकल तो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि संजू सैमसन ने बेहद ही शानदार 49 गेंदों पर 54 रनों की जरूर पारी खेली, लेकिन ये पारी उम्मीद से भी ज्यादा स्लो थी, सिर्फ 110 का स्ट्राइक रेट था संजू सैमसन का। जबकि करुण नायर सिर्फ 13 रन बना सके तो रियान पराग सिर्फ 19 रन, जबकि अंत में हेथमायर ने एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार 13 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। तो कुल मिलाकर के राजस्थान रॉयल की टीम 152 रन तक पहुंच पाई। अब इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर को 153 रन चाहिए था, जहां पर दोस्तों बाबा इंद्रजीत सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, तो एरन फिंच एक बार फिर से सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसे में श्रेयस अय्यर अकेले पड़ गए और श्रेयस अय्यर को ही अपनी टीम को जीत तक लेकर के जाना था। वहां पर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों पर बहुत ही सूझबूझ से भरी, बिल्कुल केएल राहुल की तरह 34 रनों की एक छोटी सी पारी खेली। बेशक से पारी छोटी थी, लेकिन टारगेट भी छोटा था, और यही वो पारी थी जिसने कोलकाता को मैच में बनाए रखा था, वरना 2 विकेट बहुत ही जल्द गिर जाने पर सिर्फ और सिर्फ 32 रन पर ही कहीं ना कहीं उनकी टीम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। लेकिन इसके बाद पूरे 60 रनों की एक बेहद ही दमदार पार्टनरशिप देखने को मिली श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा के बीच में। यहां से दोस्तों दोनों ने 92 रनों तक पहुंचाया, और वहां पर जाकर श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा 92 रनों पर, जब श्रेयस अय्यर 32 गेंद पर 34 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके अलावा नीतीश राणा ने भी दोस्तों 37 गेंदों पर बेहद ही शानदार नॉट आउट 48 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रिंकू सिंह ने अंत में आकर इनका साथ दिया और बखूबी शॉट लगाए बेहद ही शानदार, और 23 गेंदों पर इन्होंने भी 42 रन जड़ दिया। तो कुल मिलाकर के कोलकाता नाइट राइडर को पूरे 7 विकेट से इस मुकाबले में जीत मिली है। अब इसके बाद श्रेयस अय्यर का मानना है कि उन्होंने केएल राहुल से फोन पर बात की थी और उससे उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, और यही वजह रही कि केकेआर इस मुकाबले को राजस्थान से जीत पाई है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।